दोस्तों, क्या आप जानते हैं विस्की को बनाने के लिए अनाज को बुरी तरह से सड़ाया क्यों जाता है? क्या कभी आपने सोचा है कि गुटखा बनाने वाली कंपनी गुटखा को खतरनाक शीशे के चूर्ण बनाकर क्यों डालते हैं? और जब वही शीशे का चूर्ण जब खाने वाले के पेट में जाता है तो उसे कितनी गंभीर बीमारी होती है? और दोस्तों, क्या आपको मालूम है मार्केट में जितनी भी विस्की या फिर रम मिलती है उन्हें मार्केट में बेचने से पहले बहुत सालों तक स्टोर करके रखा जाता है? और क्या आप यकीन करेंगे, मार्केट में जो चिली सॉस मिलता है वो सभी 3 साल पुराने होते हैं। फैक्ट्री में 3 साल तक मिर्चियों को सड़ाने के बाद उसे आप तक पहुंचाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि खाने पीने की चीजों को कैसे और कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है। गुटखा। दोस्तों, गुटखा की डिमांड हमारे भारत में कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे लोग भी पैसे लेकर बोलो जुबां केसरी कर रहे हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे लोग छोटे से भी एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना ज्यादा पैसा मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, गुटखा को बनाते वक्त उसके अंदर एक ऐसी खतरनाक चीज मिलाई जाती है जो आपकी जान के लिए खतरनाक बन जाता है। दोस्तों, प्रोडक्शन कंपनी में जब गुटखा को बनाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें ढेर सारी सुपारी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वे लोग सुपारी के पेड़ से ढेर सारी सुपारी को तोड़ते हैं, जिसके बाद सुपारी के फलों से मुख्य पार्ट को अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, जब सुपारी पेड़ से निकलता है तब वो लाल रंग का नहीं होता, ये वजह है कि इसमें खास तरह के केमिकल से बने हुए रंग को मिलाया जाता है और उसी रंग में सुपारी को बहुत देर तक उबाला जाता है जिससे सुपारी का रंग लाल हो जाता है। और जब लोग उस सुपारी को चबाते हैं तो उसकी जुबान केसरी हो जाती है। कलर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद सुपारी को अच्छी तरह से सुखाने की बारी आती है। जब सुपारी सूख जाती है तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट लिया जाता है। काटने के बाद अब गुटखा बनाने वाली कंपनी इसमें तरह तरह के फ्लेवर, कत्था और चूना मिक्स कर देती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी वक्त गुटखा बनाने वाली कंपनी अपने यहाँ ढेर सारे पुराने बोतल को भी स्टोर करके रखते हैं और उसे एक मशीन के जरिए पीस कर बहुत ही बारीक चून बना लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, शीशे के इस चून को भी गुटखा में मिला दिया जाता है। अब इससे होता यह है कि जब गुटखा खाने वाले लोग अपनी जुबान को केसरी करने के लिए गुटखा खाते हैं तब इसी चून की वजह से उनकी जीभ में बहुत सारे कट्स लग जाते हैं और जब इस छोटे छोटे कट पर गुटखा में मिले हुए केमिकल लगते हैं तब उन्हें झंझनाहट महसूस होती है और यही झंझनाहट लोगों को मजा देती है। लेकिन दोस्तों, गुटखे में मिले हुए सभी चून खाने वाले के पेट को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। शराब। दोस्तों, शराब का कारोबार पूरी दुनिया में होता है लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जिस विस्की और रम को लोग बड़े शौक से पीते हैं उसे बनाने के लिए तमाम तरह के अनाज को बहुत ही गंदे तरीके से सड़ाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं शराब बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि शराब को बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो है अल्कोहल। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, शराब बनाने के लिए सबसे ज्यादा गेहूं और मक्का जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए शराब बनाने वाली कंपनी भारी मात्रा में अपनी फैक्ट्री में इन चीजों को मंगवाती है और इन सभी अनाज को अच्छी तरह से साफ करने के बाद फैक्ट्री के खास सेक्शन में उन सभी अनाज को पानी में भिगोकर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी में भीगे हुए उन सभी अनाज को 5 से 7 दिनों तक सड़ाया जाता है। जब वे अनाज अच्छी तरह से सड़ जाते हैं तब उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए वहां से निकाला जाता है। इसके बाद उन सभी सड़े हुए अनाज को भारी टेम्परेचर पर गर्म करके डिस्टिलेशन किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सड़े हुए अनाज को इस प्रक्रिया से गुजारने के बाद उससे बहुत ही अधिक मात्रा में अल्कोहल बाहर आता है। अल्कोहल गर्म होकर पहले भाप में बदलता है और वो दूसरे साइड ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद प्रोसेस में उन सभी अल्कोहल को कोई कंपनी कोयले के द्वारा छानती है तो कोई कंपनी किसी और प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। सभी तरह की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद जब शराब अच्छी तरह से तैयार हो जाती है तब उसे एक लकड़ी से बने हुए कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कंटेनर में शराब को स्टोर करने के बाद
कंटेनर को एक स्टोर रूम में रख लिया जाता है और शराब को स्टोर करने के लिए जमीन के भीतर स्टोर रूम को बनाया जाता है, जहां पर सभी तैयार हुए शराब को उन्हीं खास लकड़ी से तैयार हुए कंटेनर में कम से कम 3 साल के लिए रख देते हैं। और आपको हैरानी होगी, शराब जितनी ज्यादा पुरानी होती है उसकी कीमत उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। आपको यकीन नहीं हो, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ही शराब मौजूद है जो 50 से 60 साल पुराने हैं और इस वक्त मार्केट में उनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में पहुंच चुकी है। पीनट बटर। दोस्तों, आजकल अपने बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत सारे लोग पीनट बटर खाते हैं और खाना भी चाहिए, क्योंकि पीनट बटर को हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि पीनट बटर को बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीनट बटर को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है मूंगफली। मूंगफली को ही अंग्रेजी में पीनट कहते हैं। दोस्तों, पीनट बटर बनाने वाली कंपनी सबसे पहले अपनी फैक्ट्री में खास प्रजाति के पीनट को मंगाती है, जिसके बाद उन सभी मूंगफली को एक ऐसे कन्वेयर बेल्ट पर रखवा दिया जाता है जो बहुत ही गर्म होता है। और ये कन्वेयर बेल्ट सिर्फ सीधा नहीं चलता बल्कि हिलता भी रहता है। इससे होता क्या है कि गर्म कन्वेयर बेल्ट पर सभी मूंगफली बहुत अच्छी तरह से भून जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कन्वेयर बेल्ट का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, यानी जितना तापमान पानी को खौलने के लिए चाहिए उससे भी दुगुना। जब सभी मूंगफली अच्छी तरह से भून जाती है तो उन्हें खास मशीन में डालते हैं। इस मशीन में जाते ही सभी मूंगफली के छिलके उतर जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पीनट बटर का स्वाद उसके छिलके की वजह से कड़वा न हो जाए। मूंगफली के ऊपर के छिलके को हटाने के बाद सभी मूंगफली को एक बहुत ही भारी भरकम ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जहां से तेज रफ्तार से चलने वाले ब्लेड उन सभी मूंगफली को बहुत ही बारीक टुकड़ों में तोड़ देता है। जब सभी मूंगफली अच्छी तरह से पिस जाते हैं, तब उनमें जरूरत के हिसाब से नमक और चीनी को मिक्स करते हैं। कुछ कंपनी अपने अपने फ्लेवर को बनाए रखने के लिए और भी तरह की चीजें ऐड करती है जो नहीं बताती है, और बस तैयार है पीनट बटर, जिसे आप हर रोज सुबह शाम खाते हैं। तैयार होने के बाद फैक्ट्री में इसी पीनट बटर को डिब्बे में भरकर अपने लेबल को चिपकाकर बाजार में भेज दिया जाता है। रेड चिली सॉस। दोस्तों, चाउमीन हो या फिर बर्गर, जिन लोगों को तीखा खाना पसंद है वो अपने इन फास्ट फूड के साथ रेड चिली सॉस जरूर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है, रेड चिली सॉस को मार्केट में भेजने से पहले फैक्ट्री के लोग उसे 3 साल तक सड़ाते हैं। है ना चौंकाने वाली बात। दोस्तों, फैक्ट्री में जब रेड चिली सॉस को तैयार करते हैं, तब दुनिया भर के देशों से अच्छी क्वालिटी के लाल मिर्च को मंगवाया जाता है। जब फैक्ट्री में भारी मात्रा में लाल मिर्च पहुंच जाते हैं, तब उसके डंडियों को तोड़कर ग्राइंडर मशीन में डाल देते हैं। दोस्तों, ग्राइंडर मशीन में लाल मिर्च को डालने के बाद उसमें स्वादानुसार नमक भी डाला जाता है और अच्छी तरह से मिर्ची को ग्राइंड कर लिया जाता है। दोस्तों, सभी लाल मिर्च को ग्राइंड करने के बाद उसे बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जिस तरह से अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि शराब को स्टोर करके रख देते हैं, ठीक उसी तरह से रेड चिली सॉस बनाने वाली कंपनी भी लाल मिर्च के पेस्ट को कंटेनर में भर कर स्टोर कर देती है। और सभी कंटेनर को इतने अच्छी तरह से पैक किया जाता है कि उसमें जरा सा भी हवा ना जाए। अब ये सभी कंटेनर 3 साल के लिए स्टोर रूम में रख दिए जाते हैं। लगभग 3 साल बाद सभी लाल मिर्च के पेस्ट को वापस निकाला जाता है और उसमें तमाम तरह के फ्लेवर ऐड करके विनेगर को भी मिक्स करते हैं, जिसके बाद फैक्ट्री में काम करने वाला एक बहुत ही अनुभवी आदमी रेड चिली सॉस के स्वाद को टेस्ट करता है। जब वो आदमी प्रूव कर देता है, इसके बाद पैकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इस तरह से 3 साल तक सड़ाने के बाद रेड चिली सॉस को आप तक पहुँचाने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है शराब, रेड चिली सॉस, पीनट बटर और गुटखा। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।